सेविका का इतनी तनख्वाह है जो कि मैया समान सेविका नहीं भर सकती है। हम नहीं रहेंगे तो बीएलओ नहीं बंद हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे तो टीकाकरण बंद हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे तो पोलियो बंद हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे तो फाइलेरिया बंद हो जाएगा। तो ये सारे काम हमारी सेविका करती है और सेविका को इतना काम कराता है सरकार और सरकार का कान में जून तक नहीं रहता है। पेट में भूख रहेगा इसीलिए लोग लड़ने जाता है, पेट में भूख नहीं रहता है तो लोग आदमी लड़ता नहीं है। हमारा पेट नहीं भर रहा है बोल करके आज हम लोग आए हैं कि उपायुक्त का माध्यम से मुख्यमंत्री के पास हमारा लेटर जाए और समझे कि 9,500 में आज का डेट में कोई भी सेविका का परिवार नहीं चलेगा। 9,500 मिलता है वो हम लोग को केंद्र सरकार का पैसा आता ही नहीं है, केंद्र सरकार सोए रहते हैं और झारखंड सरकार 5,000-5,000 दो दो महीना में भेजते हैं। तो हमको जो 9,500 है ये भी एक मुश्त नहीं मिलता है तो हम चलाए परिवार तो कैसे चलाए। हमारे मांग पूरी किया, हमको राज कर्मचारी घोषित किया, हमारा मानदेय छोड़ के वेतन मान किया, कम से कम न्यूनतम मजदूरी रेट 18,000 रुपया दिया तो हम लोग भी उनको देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम मौजूद है जमशेदपुर के डीसी कार्यालय के समक्ष। यहाँ जो पूर्वी सिंहभूम जिले की सेविका और सहायिका है ये अपने विभिन्न मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए पहुंची। आई हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या है आपकी लोगों की मांग। हमारी मांगे है हमें सरकार सरकारी कर्मी का दर्जा दे। जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम न्यूनतम मजदूरी है दे हमको, कम से कम 18,000। और हमें जो पोषाहार का बात जो है वो स्थानीय बाजार दर पर करे। ये जो अंडा का रेट हमें स्थानीय बाजार दर करे, जो 15 रुपया में जो आलू का रेट बैठाया है उसको जो स्थानीय बाजार है उसको करे। ऐसे करके जितना भी सामान हमारा आंगनबाड़ी में लगता है सब स्थानीय बाजार दर अगर मेंटेन करता है सरकार तो हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे का शोषण नहीं होगा, वो शोषण बंद हो जाएगा। इधर हमको अग्रिम पैसा नहीं देने के कारण हम लोग बाध्य हो जाते हैं कि क्या करेंगे, हमको गलत रास्ता चयन करना पड़ता है। चाहे तो हम मतलब कम सामान खरीद करके कम देते हैं तो उसमें शोषण किसका होता है, हमारा गांव का बच्चा का होता है। यही हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमें स्थानीय बाजार दर करे पोषाहार में। और हमारा जो पड़ोसी राज्य 5,00,000 रुपया दे रहा है, हमारा झारखंड सरकार भी हमको 5,00,000 रुपया रिटायरमेंट दे। और हमारा जो सुपर बाजार में जो प्रोन्नति है उसमें 60% सेविका से ले और सहायिका से सेविका पद पर ले। झारखंड सरकार द्वारा तो 3,000 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी की गई है। हाँ, तो ये 3,000 दे देने से जो महंगाई आज आसमान छू रहा है, 3,000 दे देने से हमारा परिवार क्या चलेगा? चलेगा नहीं। तो कोई भी पदाधिकारी आकर के अगर बोल दे कि आपको 9,500 रुपया मिलता है, हमें 4,500 रुपया केंद्र सरकार देता है, वो भी 63 रुपया था और 63 को काट दिया जा रहा है। तो 4,500 रुपया केंद्र सरकार देता है, 5,100 रुपया देता है ये झारखंड सरकार। तो 9,500 रुपया में आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग एक परिवार को चला पाइएगा 9,500 रुपया में, तो कहाँ से हम मान लेंगे कि 3,000 रुपया बढ़ा दिया तो हम चुप बैठे। हमको तो लड़ना होगा क्योंकि जब पेट में भूख रहेगा इसीलिए लोग लड़ने जाता है, पेट में भूख नहीं रहता है तो लोग आदमी लड़ता नहीं है। हमारा पेट नहीं भर रहा है बोल करके आज हम लोग आए हैं कि उपायुक्त का माध्यम से मुख्यमंत्री के पास हमारा लेटर जाए और समझे कि 9,500 में आज का डेट में कोई भी सेविका का परिवार नहीं चलेगा। और 7,050 रुपया में सहायिका का परिवार भी नहीं चलेगा। न्यूनतम मजदूरी के अलावा जो है आप लोगों की और क्या मांगे? न्यूनतम मजदूरी के अलावा हम लोग का मांग है पोषाहार का जो यह है, पोषाहार का अग्रिम राशि दिया जाए या स्थानीय बाजार दर के स्थानीय बाजार का जो दर है उसी दर में हम लोग को उस पैसा दिया जाए और उस सही समय पर। ऐसा नहीं कि 6-9 माह के बाद में दिया जाता है, तो जब इतना देरी में दिया जाता है अभी से हम लोग को मई से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अभी सितंबर चल रहा है तो ये 6 महीने हो गया पोषाहार का नामो निशान नहीं है। तो हम बच्चों को खिलाएं तो कैसे खिलाएं? ऊपर से सरकार जो देता है रे
नहीं मिलता है तो हमको बहुत ही परेशानियां करना पड़ता है। तो बाजार